दोनों मुल्कों के बीच में रिश्ते थे वो तो जो है बद से बदतर होते चले गए। बद से बदतर का मतलब मेरा है कि जो मित्रता का एलिमेंट था वो कम होता चला गया। अब मुख्य कारण उसका आतंकवादी रहा, लेकिन हमने पिछले अगर कहा जाए 2 सालों में 2022 कोरोना के बाद जो है काफ़ी कुछ एक्चुअल में नो वॉल्यूशन जो हमने लिया था कि हम दोनों एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, जो ये सारी चीज़ें जो हमारे बीच सीज में फायर समझौता हुआ था उसके बाद उसका पालना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और 370 हटने के बाद देखिए सबसे बड़ा जो फर्क आया है कि वहाँ पर जितना जो करप्शन था उस पर एक रोक लगी है। वहाँ पर जो आम आदमी अब फील्ड में आ रहा है, अगर आप जाएं श्रीनगर में तो वहाँ पर जैसा कह रहा है 3 लाख से ऊपर जो है वो सैलानी जा रहे हैं, तो बताता है कोई बहुत कुछ मैसेज देता है। और इंटरनेशनल मीडिया में जो है उनका एक ग्रुप गया, और बाकी जो G20 का जैसे जिक्र पहले भी मैंने किया कि इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम मुख्य धारा में कश्मीर को जोड़ना चाहते थे और उसमें हम सफल हुए हैं। ये कहना कि नहीं हुए ये 370 का ही कमाल था कि लोकसभा चुनाव वहां पर हो पाए। और अब जैसा कि कहा जा रहा है कि लगभग सितंबर के आसपास जो है वहां पर विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं, तो परिस्थितियां बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए, वक्त के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जो कहा जा रहा है तैयारियां ऑलरेडी चल ठीक रही है, हैं, तो ये परिस्थितियां सब अच्छी तीन हैं, सौ सत्तर सारी चीजें हटने का ही अच्छी हैं, कमाल है। लेकिन 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 इलाज क्या है फिर भाई? पाकिस्तान देखिए तो लगातार ये चाहेगा कि यहाँ पर अशांति बनी रहे, यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह का टर्मोइल रहे। देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और लेकिन पाकिस्तान के पास सबसे बड़ी जो मुश्किलात इस समय आप सामने पेश आ रही है, एक तो क्या इंटरनल क्राइसिस के बीच में जो वहाँ का जो नॉर्मल पीस है, सिविल क्राउड है, वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी दुखी हैं, वो उनको अपनी रोजी रोटी दोनों के लिए बहुत बहुत जो है पसीना बहाना पड़ रहा है। और कई जगह तो और 2 जून की रोटी भी उनको नहीं दुभर हो रही है। तो वहाँ के हालात, इकोनॉमिक कंडीशन की गड़बड़ है, वो लोन उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा है, चाइना ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कब्जा कर लिया है। और चाइना के जो हालांकि चाइना ने जो लंबी में गाजरें दिखा रखी है, उन गाजर के सहारे उनको जो है वो पाकिस्तान को आगे धकेल रहे हैं। और धीरे धीरे देखा जाए तो पाकिस्तान के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाता जा रहा है। बलूचिस्तान में जिस प्रकार से अब जो घटनाएं चाइनीज नेशनल्स के अगेंस्ट बढ़ी हैं उसको देख के भी ये बताता है, ये जाहिर होता है कि चाइनीज का एक जो वहां पर दबदबा था वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो कूटनीतिक रूप से भी हमको देखना होगा कि हम कैसे इनको एड्रेस करें। देखिए ये सब चीजें आसान नहीं है और ये समय लेती है, क्योंकि हमने बहुत सालों ये तक इस आपने पर ध्यान बहुत नहीं दिया इम्पोर्टेंट और मुद्दा बिल्कुल उठाया है, पनपने चाइना दिया। का जो हाथ है पाकिस्तान के साथ। अरविंद जी, वो कितनी बड़ी दिक्कत है भारत के लिए? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है, क्योंकि इसका कारण यह है कि जो चाइनीज लोग हैं वो कल्चरली वहां से एसोसिएट नहीं हो पा रहे हैं। और इस बीच में हमें इस बात को लेकिन मानना होगा बहुत कि जो बड़ा ये भी भारत और मानना पड़ेगा ना पाकिस्तान कि है बहुत बड़ा निवेश है चाइना का पाकिस्तान में, बहुत बड़ा। बिल्कुल है। पर आप देखिए कि जब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे जो खासकर एक डैम और वो टनल को लेकर जो मसला हुआ था, तो वहां के जो खुद कश्मीरियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी जो पाक के अभी अधिकार क्षेत्र में है, तो वहां पे आवाज उठाई थी। आप ये देखिए कि जहाँ ये वो पाकिस्तान जो इधर उनके जो साउदर्न पार्ट में जो उन्होंने जो इन्वेस्ट कर रखा है उसको लेकर वहां के लोकलाइट्स वो मुखर हो रहे हैं। और अभी पाकिस्तान में आप अगर पिछले 10-20 साल का लेखा जोखा देखेंगे तो वहां की जो आम जनता है वह वहां की पॉलिटिक्स से परेशान हो गई है। वहां का जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो वहां का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो भारत के साथ लड़ाई नहीं चाहता है। पर इसमें कुछ वहां पे इंटरेस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं जो कि उनका वहां इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अभी ये जो टेररिज्म भी इसलिए हो रहा है कि वहां की अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो वहां के जो लोग जो सत्तासीन लोग हैं जो ताकत में हैं उनको कुछ ना कुछ सबूत छेड़ना होगा। अगर ये बड़ा मुद्दा वो नहीं दिखाई देगी तो निश्चित तौर पर जो घरेलू मामले हैं उनका उन्हें जवाब देना होगा। अगर भारत से मसले सारे हल हो जाएंगे तो वहां के लोग पूछेंगे कि अब महंगाई पे आइए, अब यहाँ जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आइए। पर इसमें सबसे जो यानी महत्वपूर्ण आप कह बात रहे हैं मैं कि ये वहां की कहना चाहता राजनीति से हूँ भी ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ मामला है उनके लिए पूरी कश्मीर तरह का, से है ना? बिल्कुल गवर्न हो और रहा जब है ये बिल्कुल। सरकार बनी थी तो उन्होंने सबसे पहले, उन्होंने महंगाई की बात नहीं की थी, उन्होंने बेरोजगारी की बात नहीं की थी, उन्होंने मिशन के की बात की थी, यानी मिशन जो कश्मीर में जो उन्होंने चला रखा है, और वो तो उनकी फॉरेन पॉलिसी है। ये तो जब बिल्कुल जुल्फकार अली भुट्टो वहां के फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था
ये बात यूएन में उन्होंने कही थी कि अगर कश्मीर के लिए 1000 साल भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। तो ये तो उनसे जुड़ा हुआ मामला है, तो वो तो करेंगे, लेकिन हमारी साइड से हम अपने जो नागरिक हैं उनकी रक्षा कैसे करें, आतंकवाद से जो घटनाएं बढ़ रही हैं उनको कैसे रोकें, हमारा बहुत बहुत सारा फौज वहां पर है। जी जी, इसमें बहुत सारी दरअसल समस्याएं हैं, हमारे भारत के घरेलू मोर्चे पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो वो ये पाकिस्तान से जब भी हम ये बात कहेंगे कि आप ये कह रहे हैं आप ये आतंकवादी भेज रहे हैं, तो वो कहेंगे कि ये हमने नहीं भेजे हैं, ये आपके लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हमें आंतरिक तौर पर हमारी सारी चीजों को दुरुस्त करने के लिए हमें पैसा चाहिएगा, और पैसा करने के लिए हमें हमारी जो यहाँ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वगैरह हैं उन सबको बहुत ही बड़े स्तर पर ठीक करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इस अलगाववाद से हम कैसे निपटे, वहाँ के लोकल लोगों को हम कैसे मजबूत करें। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई है जो काफी सक्सेसफुल भी रही है, और हमें जो हमने ये पूरा अरविंद जी, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो नैरेटिव भारत चाहता था, क्या उसमें कामयाबी मिली है भारत को पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी हद तक, क्योंकि 370 हटने के बाद भी जो एक जो अनरेस्ट होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। और दूसरा ये देखिए कि जो यूरो अमेरिकन खेमा है उसके जो जो स्वर थे वो अब इतने तीखे नहीं रहे जैसे कि शुरुआत में है, और खुद दुनिया बहुत सारी चीजों में इतनी परेशान है, चाहे वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो, तो बहुत सारी चीजें हैं कि उनको भारत के बारे में सोचने का मौका नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई भी जो बहुत ही बेहतर या शातिर डिप्लोमेसी है इसका इस्तेमाल करके इस आतंकवाद को जड़ से हटा सकती है, पर अभी मुझे ये कहना पड़ेगा कि भारत में वो तैयारी दिख नहीं रही है, क्योंकि पॉलिसी लेवल पे वो कोई बहुत बड़ा, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी का ही मसला हो, वो कोई बहुत बड़े किसी मतलब चैलेंज या टास्क के साथ आना नहीं चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि उसकी जरूरत है, और उसके लिए हमें बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि जो कन्वेंशनल जो तरीका है हमारा आतंकवाद से लड़ने का वो बहुत इतना सफल नहीं रहा है, तो हमें कुछ अलग से कोई नया सोचना पड़ेगा। ठीक है पांडे जी, हमें डेलूं आपकी इसी बात पर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात जानना कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर बहुत कुछ किया है, हमारे हमें पूरा विश्व गुरु के रूप में अब स्वीकार कर रहा है, हमारी जो इंडिया की एक इमेज जो है वो कूटनीति में बहुत बहुत इंप्रूव हुई है, हमारी दोस्ती जो है मिडिल ईस्ट में देखिए कंट्रीज में सऊदी अरब के साथ अलग, जिसमें काफी तलखियां चल रही थी हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज के उनके साथ, लगभग सारे देशों के साथ, आप किसी भी इस्लामिक कंट्री का नाम लीजिए पाकिस्तान को छोड़ के, हमारे संबंध जो है वो बेहतर बेहतर और दिन पर दिन बेहतरीन होते जा रहे हैं। तो इसके पीछे मुख्य कारण यही कि हमने भेदभाव कोई कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रखा, डिफ्रेंशिएट नहीं किया हमने ह्यूमन बींग्स, हमने हमें हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और मानवता को सर्वोपरि माना, हमने जो हमारे HDR मिशन थे ह्यूमन असिस्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के, हमने हर जगह कोविड में जो है वैक्सीन भेजी, उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम वहां पर दोस्ती का भावना चाहते थे कि मैत्री की भावना बढ़े। तो ये कहना कि कूटनीतिक तौर पर हमने बहुत कुछ किया है और उसकी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो घटना हुई है इजराइल के बारे में, ईरान के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार से हमास के पॉलिटिकल लीडर हनिया को जो है वो मारा गया, उस समारोह में बेसिकली ईरान के नए राष्ट्रपति की तख्तपोशी थी और उसमें मंत्री हमारे श्री गडकरी जी भी गए थे। तो हम हमारे मतभेद होने के बावजूद भी जो है हमने कूटनीतिक तौर पर कहा कि हम आपके साथ हैं, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन भेद नहीं हम करना चाहते। तो हम चाहते हैं कि लोगों के साथ हमारी बात बढ़े, हम एजुकेशनल कल्चरल हमारे लिंक बढ़े, हमने जो व्यापारिक उनके साथ लिंक बढ़ाए हैं, अगर आप देखें हर एक मिडिल ईस्ट कंट्री सेंट्रल एशिया के एशियन कंट्री के साथ हमारे व्यापारिक संबंध और बेहतर होते जा रहे हैं। चलिए उस पर आएंगे, लेकिन अभी अभी जो जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि हमारी जो वहाँ पर लड़ाई है आतंकवाद से वो बड़ी कन्वेंशनल चल रही है, उससे थोड़ा हमें हटना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए आतंकवाद की लड़ाई में एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर चाहते हैं कि जंग, इसराइल का उदाहरण है गाजा में जो हो रहा है, इसराइल जो कोशिश कर रहा है कि हमास को हम समाप्त कर देंगे, क्या हमास को समाप्त करने का क्या मतलब है भाई? हमास एक सोच की बात है ना, हालांकि वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो हमारी तरह हार्ड मास के जो है शरीर है जो चल रहे हैं, फर्क है केवल सोच का।
मत का, क्या वो उनके बीच में जो सोच है वो आपस में जो दूरी पैदा करी उसको सुधारने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में अभी एड्रेस नहीं कर रहे हैं हम। कोई भी युद्ध हो, कोई भी, अब हम जानते हैं कि जब आप ही कह रहे हैं, लेकिन क्या उससे हल निकल पाएगा? हमने सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी तो की है, क्या आतंकवाद को हम समाप्त कर पाए? क्या हम जो हमने और भी दूसरे रास्ते अख्तियार किए जो कि एग्रेसिव थे नेचर में, जिसमें कि हमने उनको समाप्त करने का, समूल नष्ट करने का बारे में सोचा, क्या वो उससे हमें वो मिल पाए जो हम चाहते थे? आवश्यकता क्या है कि आप उनको जो जो आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं वो क्या है? आर्थिक रूप से जो उनको मिल रहा है, तो हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ऐसे और इम्प्रूव करने पड़ेंगे कि जो उनको सपोर्ट मिले। जैसे टर्की है, वो खुलेआम जो है पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है, हालांकि टर्की का उद्देश्य है कि वो वैसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का बॉस बनना चाहता है, तो उस चक्कर में वो अपना लॉबिंग कर रहा है। तो हमें देखना होगा कि हम किस प्रकार से लोगों के साथ, बाकी मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अलग थलग करें, ताकि जो पैसा वो खर्च कर रहा है, देखिए जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आतंकवाद को पैसा कैसे दे पा रहे हैं, वो कैसे हथियार दे रहे हैं? जो हथियार जो उनके पास मिल रहे हैं अभी, जो पिछले एक डेढ़ महीने में आतंकवादियों के पास हथियार देखे गए, वो लेटेस्ट एडवांस हथियार है। उस सबके लिए धन चाहिए, वो धन कहाँ से आ रहा है? उस धन को अगर हम रोक पाए तो निश्चित रूप से आतंकवाद पर हम कुछ कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक एक छोटा टेम्परेरी शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। आप बिल्कुल निश्चित रूप से वर्तमान परिस्थितियों में जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है उनको निस्ताबूत करना आवश्यकता है। देखिए मैं बहुत साफ सुधम कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म का एक स्टेप है, लेकिन इससे वो हमारे ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं होंगे जिसको हम चाहते हैं कि आतंकवाद जड़ से समाप्त हो जाए। उसके लिए हमें दूसरे रास्ते जो है वो नॉन वायलेंट जो अप्रोचेस है उसको देखना पड़ेगा, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो रास्ते क्या हैं। मैं वही समझना चाह रहा हूँ, वो रास्ते क्या हैं आखिर? क्या हम फिर